हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी कलाओं को हम देखते जा रहे हैं। हमारे गुजरात की एक से एक कला हमने देखी है और आज फिर मैं एक और नई कला की तरफ आ चुका हूँ। नर्मदा के अंदर जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पर आज मैं यहाँ पे गड्डेश्वर में आ गया हूँ और हमारे साथ में सर जुड़ चुके हैं। तो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। हम तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम विपुल कुमार रमेश भाई तड़वी है। ओके। और ये कला सर आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये कला हमारी पारंपरिक है। ओके। जो मैं मेरे पापा से सीखा हूँ और मेरे पापा पहले से ये काम करते हैं। मतलब आपके ये कला पूछते नहीं है, मतलब आपके परिवार में सब लोग इसी कला को करते हैं? हाँ। ओके, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे आपका वंश आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हर एक बंदा इस कला को अपनाता है और इसको और आगे बढ़ाता है। हाँ। तो सर, बात करें कि इस कला के अंदर आज के समय में कितने कलाकार अभी मौजूद हैं? अभी तो हमारे परिवार में एक एक आदमी होता ही जाता है। ओके। और सब लोग वही काम करते हैं। ओके, ठीक है। पूरा परिवार जो है वो इसी कला को करते हैं और अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसे बात करें सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस कला के बारे में बताएं कि कितने साल पुरानी ये कला है। ये तो जहाँ से हमारे पूर्वज है उसके साथ जुड़ी हुई। तो सर, जैसे बात करें ये जो कला है बम्बू कला, इसके अंदर आप प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हो? हम घर में यूज होने वाले सब प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। जैसे कि बाथरूम में लगने वाला हैंगर। ओके। और बल्ब जो रहता है, और लैंप जैसा लैंप। ओके, ठीक है। और जो चेयर है बड़ी से छोटी। ओके। और जो मतलब लकड़ी की चीजें बनती है सारी की सारी? बाम्बू की भी। बाम्बू की बनती है? बाम्बू की, लकड़ी की, दोनों की। ओके। और सारी जो घर में इस्तेमाल होती है उस तरीके की चीजें बनती है? सभी चीजें, ठीक है। और इसको बनाने में औजार क्या क्या काम आते हैं? हम लोग तो अभी थोड़ा हैंडमेड यूज करते हैं। ओके। और जो इलेक्ट्रिक चीज निकली है उसमें से थोड़ा कटर और ये यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो सर, जैसे इस कला के अंदर काफी सारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को आप बनाते हैं, तो जो वो बनाई जाती है उनको कितना समय लगता है अगर एक प्रोडक्ट बनाना हो तो? अगर मोबाइल स्टैंड बनाना है तो 2-3 घंटे में बन जाता है। ओके। और हैंगर रहता है उसको बनाने में भी 2-3 घंटा लगता है, और चेयर जो बनानी है उसको 2 दिन लगेगा। ओके। उसके बाद डाइनिंग टेबल जैसे वैसे कुछ बड़ा बनाना रहता है तो 5-10 दिन लग जाता है। ओके, ठीक है। मतलब ऐसे मान सकते हैं 2-3 घंटे से लेके फिर जितना बड़ा प्रोडक्ट बनाए उस हिसाब से हमको ज्यादा दिन लग जाते हैं। और जैसे बात करें कि अगर किसी को ये जो कला के आप प्रोडक्ट बनाते हो, ये प्रोडक्ट किसी को मंगवाने हो, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? अभी तक तो हम लोग वैसे कि हमारा संबंधी कोई और है। हाँ हाँ। तो उसके साथ जुड़ के। ओके, मतलब जैसे एक दूसरे से जुड़ के आप कनेक्ट करके वैसे लोगों को इसके प्रोडक्ट देते थे। तो सर, जैसे किसी भी कला प्रेमी को अगर आपके प्रोडक्ट चाहिए हो अपने घर के लिए, क्योंकि आप ज्यादातर घर के जरूरतों वाली चीजें बनाते हैं, तो वो आपसे कैसे खरीद सकता है? तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है गरुड़ेश्वर केवड़िया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में। ओके। जहाँ एकता मॉल है उसमें सब हैंडमेड आइटम बिकता है, तो वहाँ पे हम लोग भी यहाँ से देते हैं। मतलब नर्मदा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में जो एकता मॉल है। हाँ। वहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से परचेज किए जा सकते हैं। ओके। और अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो वो आपको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके। ओके, कॉन्टेक्ट कर। तो सर, मैं चाहूंगा आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे। हाँ, शेयर करेंगे। 9979848857 ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगानी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको डिज़ाइन के साथ में प्राइस के साथ में मिल जाएंगे। और सर, जैसे बात करें अगर ये कला किसी को देखनी हो बनते हुए कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, और या फिर सीखनी हो, तो क्या वो आपके वर्कशॉप पे आके इसको देख सकता है? हाँ। ओके, हमारे वर्कशॉप पे आके वो देख सकते। और अगर किसी को सीखनी हो तो क्या आप सिखा भी देंगे? हाँ, सिखा भी सकते हैं। ओके, हम लोग वैसे भी EDI और हस्तकला सेतु योजना से ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जाते हैं। ओके, तो मतलब आप गुजरात सरकार के हस्तकला सेतु और EDI से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। ओके, तो क्या आप बताएंगे कि इन योजना के साथ जुड़ने से आपको क्या क्या फायदे हुए हैं? इन योजना के साथ जुड़ने से हमको आर्टिजन कार्ड मिला है। ओके। हमारी एक ओड़क बाहर निकली है। ओके, मतलब आपको एक आइडेंटिटी मिली है कि आप एक आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट हो। ओके, ठीक है। और इसके अलावा और कोई मदद आपको मिली है? और तो हम लोगों को यहाँ से EDI जो प्रोग्रामिंग करता है तो हमको लेके उधर स्टॉल देते हैं, स्टॉल वहाँ पे बेचने के लिए। ओके, तो मतलब जो एग्जीबिशन होते हैं उसमें स्टॉल एग्जीबिशन होते हैं उसमें हम जाते हैं। तो वो स्टॉल का आपसे कोई चार्ज लिया जाता है ऐसा कुछ रहता है, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है।
जितने भी हस्तकला योजना के जो स्टॉल रहते हैं उसमें हम लोगों को कोई चार्ज लिया नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ओके, तो वहाँ पे आप अपने कला को और प्रदर्शित कर पाते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुँचा पाते हैं। हाँ हाँ, तो ये चीजें दोस्तों आपको बम्बू जो कला है उसके अंदर देखने को मिलेगी। अब हम चलेंगे, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर इस कला के अंदर जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो हम देखेंगे कैसे बनते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट रहते हैं लाइव पूरा का पूरा देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।